डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम गिवन परमुटेशन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो परमुटेशन है उसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, और जो सेकंड रो है उसमें 1, 4, 2, 3। हम इसका नाम गैमा रख देते हैं। तो इसका इन्वर्स जो है फाइंड करने के लिए हम इसको गैमा इन्वर्स लिखेंगे। इन्वर्स लिखने के लिए आपने फर्स्ट रो में जो गैमा की वही फर्स्ट रो 1, 2, 3, 4 लिख देनी है। अब आप देखें कि परमुटेशन जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसमें देखें कि जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड रो जो होती है वो को डोमेन या रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। चूंकि ये बाइजेक्टिव है, ये 1-1 एंड ऑन 2 फंक्शन है, इसलिए रेंज और को डोमेन दोनों सेम होंगी। अब आप यहाँ देखें कि 1 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 2, 4 पर मैप हो रहा है, 3, 2 पर और 4, 3 पर मैप हो रहा है। तो जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसमें आप रेंज के एलिमेंट का परी इमेज डोमेन में देखेंगे। देखें 1, 1 पे मैप हो रहा था, तो इसका जो सेकंड रो में 1 है वो रेंज का एलिमेंट है और इसका परी इमेज डोमेन में 1 होगा। तो 1 जो है वो 1 पे मैप होगा। यहाँ देखें 2, 4 पर मैप हो रहा है, तो परी इमेज 4 का क्या हुआ, 2, तो आप 4 के नीचे 2 लिखेंगे। 3, 2 पर मैप हो रहा था, तो 2 का परी इमेज 3 होगा, तो 2 का परी इमेज 3 होगा। और 4, 3 पर मैप हो रहा था, तो 3 का परी इमेज 4 होगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया।